बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ आपका? सर पता नहीं, मुझे पहले क्या कुछ काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर। तो कहीं से पैसा आया था आपके अकाउंट नहीं पैसा तो जैसे बाहर पढ़ते हैं तो पैसा तो जैसे घर से आता है या में? फ्रेंड्स नहीं, या घर से आता है। फैमिली। आपने कोई काम किया था, कोई गेमिंग ऐप या टेलीग्राम नहीं की नहीं पे नहीं नहीं टास्क नहीं वाला, नहीं या फिर नहीं नहीं किसी ये दोस्त सब ने भेजा? तो फिर कैसे अकाउंट फ्रीज हुआ? कौन सा बैंक है? SBI बैंक है। तो बैंक ने कोई जानकारी नहीं दी आपको? बैंक ने ये जानकारी दी कि साइबर सेल की तरफ से मतलब किसी ने कंप्लेन तो की है, और किस अमाउंट को लेके? उसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दिया गया, बस मतलब 38,000 और 1,000 एक तो साल कहाँ पहले से आया होल्ड किया 38,000? गया था। 1 साल पहले? नहीं वो आया कहीं से नहीं, वो डायरेक्टली होल्ड लगा दिया गया 38,000 से। कहाँ से मतलब 38,000 का होल्ड क्यों लगा है? कहीं से तो आया होगा ना पैसा आपके अकाउंट में? वो पैसा जो आया, जैसे मेरे फादर ने मुझे भेजा है खर्च के लिए तो या फादर के पास बाहर पढ़ रहे पैसा हैं। कहाँ से आया था? क्या फादर तो मेरे जॉब करते हैं, जॉब तो करते मतलब हैं? तो गवर्नमेंट फादर का सर्विस तो में है, अकाउंट मंडी फ्रीज समिति नहीं में। हुआ ना? नहीं, उनका नहीं। तो मुझे जैसे फिर खर्चे के लिए, रूम रेंट नहीं के लिए या भेजा तो फिर फादर नहीं हाँ भेजा तो पैसा आप कह रहे हो किसी और सोर्स से आया है नहीं, तो ये तो मानना बड़ा मुश्किल है। तो फिर कंप्लेन अगर होती तो आपके फादर के अकाउंट पे भी होती। आपके फादर के अकाउंट पे कोई कंप्लेन नहीं है, आपके अकाउंट पे कंप्लेन है। नहीं, जैसे सर मैं ये भी बता रही हूँ, जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब वो फादर तो मेरे मतलब मुझे भेजते भी हैं, जैसे हमारे मतलब सिस्टर ने भी मुझे भेजा। और हम जैसे बाहर PG वगैरह में रहते हैं तो फ्रेंड्स में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो अदर मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ हाँ है तो या उसी में क्या। से कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन किसी भी फ्रेंड ने आपको भेजे लेकिन कुछ होंगे? जैसे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन भी नहीं मुझे बताया गया कि मैं उस चीज़ के लिए क्लेरिफाई कर सकूं कि ये कहाँ से आया या किस किस मतलब पुलिस के द्वारा फ्रीज हुआ है? हाँ साइबर सेल के नहीं, द्वारा। कौन से स्टेट की पुलिस है? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वो यूपी? तो बैंगलोर से किया गया और मैं यहाँ UP से बात कर रही हूँ। बेंगलोर से किया गया है, तो डेफिनेटली फिर वो पैसा कहीं ना कहीं बेंगलोर, आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई बंदा इलीगल कहीं से उसने पैसा, गेमिंग डेटिंग ऐप या फिर बेटिंग ऐप या फिर टेलीग्राम प्रीपेड टास्क, या कहीं ना कहीं से पैसा लिया होगा, उसी का पार्ट पोर्शन आपको भेजा होगा, या आपने खुद लिया होगा जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो ये नहीं कब मैंने हुआ है? खुद तो नहीं लिया है, और ना ही मतलब ऐसा अकाउंट कब जैसे फ्रीज हुआ है? तो अकाउंट मेरा 2-3 मंथ्स हो गए हैं तब फ्रीज किया गया फिर है आज क्या दिक्कत आ फरवरी गई? में। आज से मैं मतलब उससे पहले तो मुझे बैंक से ही, मैं बैंक ही जा रही थी तो था कि हाँ मतलब वो बात कर रहे हैं बैंक से ही, फिर दिक्कत ये नहीं है। फिर आज मैंने अभी यूट्यूब पे मैं देख रही थी तो मुझे आपका नंबर आपने मिला। बैंक को मेल के थ्रू मांगे? बैंक के पास कॉपी आती है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, कंप्लेन आता है कि हाँ जी किस। उसमें मुझे ये बताया कि उसमें को जो भी कंप्लेंट जिसने भी किया मुझे नहीं पता, और उसमें 60 अंडर सेक्शन 66C और 66D के नहीं, तहत की एफआईआर गई हुई है। होगी। एफआईआर इसका जी मतलब हुई है तो बैंक को नोटिस आया होगा, अब तब भी बैंक ने अकाउंट फ्रीज किया। अब आप देखें, 2-3 महीने पहले अगर फ्रीज हुआ है तो 2-3 महीने, जब भी फ्रीज हुआ उसके 2-4 दिन पहले पैसा कहाँ से आया? क्योंकि आमतौर पर पैसे आने के कुछ ही दिनों के बाद ही अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो जो भी मतलब अगर पैसा आया आपने मेरे कुछ गलत फ्रेंड से, नहीं किया फैमिली में है, ही आया है, अरे नहीं यार गलत फिर नहीं किया है। आपने हाँ फैमिली वही फ्रेंड यही से वही आया, आपने गलत नहीं किया, लेकिन जिससे भी आपने रिसीव किया उसने कहीं से गलत पैसा लिया होगा, वही पैसा फिर आपको भेजा है जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी फ्रीज या होल्ड पे है। तो वो जो भी है नहीं सर जहाँ ऐसे भी, मतलब फ्रेंड्स और फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो मतलब अरे यार जिसने इस तुम नहीं तरीके का जानते पैसा हो, लिया। अब कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत ही हो, उसने भी जाने अनजाने में कहीं से पैसा लिया होगा। कई बार चेन ट्रांजेक्शन की वजह से भी होता है, आप किसी को नहीं जानते हो कि क्या कर रहा है। अब आप ही क्या कर रहे हो, मुझे थोड़ी पता है आप पीजी में रह रहे हो, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, डेटिंग ऐप है, बेटिंग ऐप है, गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई नहीं जानता। नहीं सर ये सारे कोई भी इशू नहीं है इसमें। फिर इशू नहीं है, अकाउंट अपने आप थोड़ी फ्रीज होता है। कुछ ना कुछ तो पैसा कहीं ना कहीं से आया है जो गलत है, और जिसने भेजा है हो सकता है उसको भी ना पता हो, लेकिन तो उसको भी सर वही कहीं। पर्टिकुलर अमाउंट भी नहीं उसमें, मतलब जो भी आया है बैंक के पास में वहां पे पर्टिकुलर अमाउंट भी नहीं बताया जा रहा, मतलब कोई ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर भी नहीं बैंक ने बताया गया आपको मुझे। मैसेज नहीं मेल किया होगा ना अकाउंट मैंने फ्रीज हुआ? बैंक नहीं हाँ नहीं मैंने डायरेक्टली बैंक को जाके कांटेक्ट किया था, और उसमें कुछ पर्टिकुलर मतलब ट्रांजैक्शन नहीं बताया गया कि 2-3 ट्रांजैक्शन सस्पेक्ट में हैं या फिर ऐसा कुछ है। वो बस डायरेक्टली अमाउंट पर ही लगा दिया गया, उसके बाद में फिर हाँ फ्रीज तो जो कर दिया अमाउंट पे गया। लगाया है वो अमाउंट कहाँ से आया था आपको?
उतना अमाउंट एकदम डायरेक्टली मेरे अकाउंट में कभी भी नहीं आया, थोड़ा थोड़ा रखो अमाउंट फोन जैसे यार, तुम ही स्टूडेंट। होशियार हो, मैं ही बेवकूफ हूँ। रखो फिर जाके क्लेरिफाई करो नीचे, कभी कुछ ऐसे थोड़ी होगा, हवा में बात करोगे तो। सर मैं अपने साइड की स्टोरी बता नहीं रही कोई हूँ। फायदा नहीं है, कोई नहीं सुनेगा ना कोई समझेगा। ऐसे स्टोरी सुनाओगे तो कोई थोड़ी समझेगा। पहले तो बैंक से जाके डिटेल लो किस ट्रांजेक्शन को लेके, बैंक के पास डिटेल होगी। बैंक नहीं दे रहा है तो उनको मेल करो, फिर भी नहीं दे रहा है तो कंप्लेन करो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में। बैंक से जानकारी लो कि किस ट्रांजेक्शन को लेके क्या हुआ है, और फिर वो आपको पुलिस का कांटेक्ट नंबर देंगे बैंगलोर या जो भी, उन पुलिस को कांटेक्ट करो, दे विल टेल यू कि हाँ आपके अकाउंट में कौन सा फ्रॉड पैसा आया। हो जी सकता है बैंक के पास ट्रांजेक्शन डिटेल ना हो कि किस ट्रांजेक्शन को लेकर कंप्लेन है, लेकिन बैंक वाले आपको पुलिस का कांटेक्ट नंबर देंगे। आप उन पुलिस को कांटेक्ट करें और फिर उनसे जानकारी लें, दे विल टेल यू, एंड फिर आप वहां पे अपनी सफाई दें। जी ओके थैंक यू सर। कभी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी मैटर है, अकाउंट फ्रीज हो गया है, पुलिस का नोटिस आया है, सिम ब्लॉक हो गया है, पुलिस ने आपको कॉल करके बुलाया है, बैंक आपको सही से प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे रहा है, जानकारी नहीं दे रहा है कि किस पुलिस के द्वारा किस ट्रांजेक्शन को लेकर अकाउंट फ्रीज हुआ है, किसी भी मैटर को लेकर गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।